मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट EVS, लेसन 8। आज मैं क्लास फर्स्ट के EVS का लेसन 8 आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। तो आपके लेसन 8 में क्या है, अवर नेबर्स, यानी हमारे पड़ोसी। नेबर्स मींस क्या होता है, आपके जो आसपास घर बने रहते हैं, जो आपके पड़ोसी रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेबर्स। अवर मींस हमारे और नेबर्स मींस पड़ोसी, यानी हमारे पड़ोसी। गुड नेबर्स आर ब्लेसिंग फॉर गॉड, दे हेल्प एंड लव वन एन अदर। अच्छे पड़ोसी भगवान का क्या है, ब्लेसिंग है, यानी आशीर्वाद है। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और क्या करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। पीपल हु लिव नियर अवर हाउस आर कॉल्ड नेबर्स, नेबर्स केयर फॉर वन एंड अदर। जो लोग हमारे घर के पास रहते हैं उन्हें हम पड़ोसी कहते हैं। पड़ोसी, पड़ोसियों एक दूसरे का देखभाल करते हैं। जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे का देखभाल करते हैं। द सराउंडिंग्स वेयर वी लिव मेक अवर नेबरहुड, देयर आर मेनी थिंग्स इन अवर नेबरहुड। हम जिस परिवेश में रहते हैं वह हमारा पड़ोस कहलाता है, यानी नेबरहुड कहलाता है। मेनी थिंग्स इन अवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में कई चीज़ें हैं। देयर इज ए ब्यूटीफुल पार्क इन अवर नेबरहुड, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, पीपल वॉक इन द पार्क। पार्क मीन्स क्या होता है, आपका जो आपका क्या होता है, खेल का मैदान होता है, जिसमें आप पार्क में फ्लावर रहते हैं, वहाँ आप लोग गेम खेलने जाते हैं, टहलने जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्क यानी उद्यान कहते हैं। हमारे पड़ोस में एक खूबसूरत पार्क है, बच्चे खेलते हैं और लोग पार्क में टहलने आते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, मिल्क बूथ। मिल्क बूथ मीन्स क्या होता है, दूध की जो दुकान होती है उसको हम क्या कहते हैं, मिल्क बूथ कहते हैं। देयर इज ए मिल्क बूथ इज अवर नेबरहुड, जो मिल्क बूथ यानी दूध की दुकान हमारे पड़ोस में क्या होती है, एक दूध की दुकान होती है। पीपल बाई फ्रेश मिल्क फॉर्म द मिल्क बूथ, तो जो हमारे आसपास के लोग रहते हैं, जो पड़ोस में रहते हैं, वो दूध की दुकान में फ्रेश यानी ताज़ा मिल्क लेने के लिए कहाँ जाते हैं, दूध के दुकान में जाते हैं। मार्केट, मार्केट मीन्स क्या होता है, बाजार। देयर इज ए मार्केट इज अवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में एक बाजार है। देयर आर मेनी शॉप इन द मार्केट, बाजार में कई दुकानें होती हैं। पीपल बाई डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, लोग बाजार में अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं। आप लोग भी अपने मम्मी पापा के साथ मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो क्या मार्केट में आप देखते हैं कि कितनी बहुत सारी, मतलब वहाँ बहुत सारी दुकानें रहती हैं, जहाँ पे आप जाके डिफरेंट प्रकार की चीज़ें खरीदते हैं। फिर नेक्स्ट क्या टॉपिक है आपकी, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मीन्स क्या होता है, अस्पताल। देयर इज ए हॉस्पिटल इन आवर नेबर्स फूड, पड़ोस में हम लोग अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि एक क्या रहता है, हॉस्पिटल यानी अस्पताल रहता है। देयर आर डॉक्टर्स एंड नर्सेस इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन कौन रहते हैं, डॉक्टर और जो नर्स होती हैं, ये सब अस्पताल में रहते हैं। दे टेक केयर ऑफ सिक पीपल देयर, वे लोग क्या करते हैं, जो बीमार लोग रहते हैं उनकी देखभाल करते हैं। सिक मीन्स क्या होता है, बीमार, यानी डॉक्टर क्या करता है, बीमार लोगों की देखभाल करता है। नेक्स्ट पेज देखिए, बैंक। जो बैंक है, तो देयर इज ए बैंक इज अवर नेबरहुड, हमारे यहाँ एक बैंक है। आप भी देखते होंगे कि आपके आस पड़ोस में क्या रहता है, आपको पैसे निकालने या जमा करने के लिए एक बैंक रहता है। पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक, लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं। दे आल्सो कीप देयर ऑर्नामेंट्स इन द बैंक लॉकर,
वे बैंक लॉकर में भी, जो बैंक लॉकर होता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने महंगे सामान यानी कीमती वस्तु जैसे गहने हो गए, पैसे हो गए, ये सारी चीज़ें बैंक लॉकर में सेव रखते हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस मीन्स क्या होता है, डाकघर। देयर इज ए पोस्ट ऑफिस इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में एक डाकघर है। वी पोस्ट आवर लेटर इन द पोस्ट बॉक्स, हम अपने पत्रों को पोस्ट बॉक्स में पोस्ट करते हैं। बी बाई एनवॉल्प स्टैम्प एक्सेट्रा फॉर्म द पोस्ट ऑफिस, डाकघर से लिफाफे टिकट आदि हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। एनवॉल्प मीन्स क्या होता है, आपका लिफाफा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं जब डाकघर जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, लिफाफा। स्टैम्प मीन्स क्या होता है, टिकट होता है, तो लिफाफा और टिकट खरीदते हैं। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, देयर इज ए पुलिस स्टेशन इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में एक पुलिस स्टेशन है। द पुलिस चेक क्राइम इन द नेबरहुड, पुलिस पड़ोस में अपराध, अगर कोई अपराध होता है हमारे आसपास या कोई चोरी करता है तो क्या करती है पुलिस, हमारे पड़ोस में जाती है और उसको क्या करती है, पकड़कर लाती है। ये किसका काम होता है, पुलिस का काम होता है। नेक्स्ट पेज देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन बी बाई पोस्ट कार्ड फॉर्म, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस। ए डॉक्टर ट्रीट, डॉक्टर किसको ट्रीट करता है, उपचार करता है, सिक पर्सन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक पर्सन हो जाएगा। बी डिपॉजिट अवर मनी, हम लोग अपने पैसे कहाँ जमा करते हैं, बैंक में। बी बाई थिंग्स फॉर मार्केट, हम कोई चीज़ खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं। ट्रू और फाल्स देखिए, नेवर्स डू नॉट केयर फॉर वन एनदर, ये आपका फॉल्स हो गया। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, ये आपका ट्रू है। पीपल बाई फ्रेश मिल्क फॉर्म द मिल्क बूट, जो लोग होते हैं वो दूध की दुकान से फ्रेश दूध लेते हैं, ये आपका ट्रू है। बी डिपॉजिट अवर मनी इन पुलिस स्टेशन, हम अपने पैसे पुलिस स्टेशन में जमा करते हैं, ये आपका फॉल्स है, क्योंकि हम अपने पैसे कहाँ जमा करते हैं, बैंक में। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए अब, फर्स्ट पीपल हु लीव नियर आवर हाउसेस आज का आर कॉल्ड नेवर्स, इसका क्या हो जाएगा, नेवर्स हो जाएगा। पीपल बाई मिल्क फॉर्म, मिल्क बूथ हो जाएगा इसका। थर्ड का क्या हो जाएगा, आपके डॉक्टर हो जाएगा। और फोर्थ का दे आर मेनी शॉप, इसका शॉप हो जाएगा। आंसर इन वन वर्ड, हमें अपने आंसर को एक वर्ड में देना है। राइट द नेम ऑफ योर नेवर्स, आप अपने किसी एक पड़ोसी का नाम आप लोग बता सकते हैं, जैसे बॉयस है तो आप लोग बता सकते हैं, गर्ल्स अपनी सहेलियों का नाम बता सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इसमें परी लिख दिया है, जो बॉयस है वो अपने दोस्तों का नाम इसमें लिख सकते हैं। वेयर डू यू गो टू टेक मिल्क, आप लोग दूध लेने के लिए कहाँ जाते हो, तो मिल्क बूथ में जाते हैं। वेयर डू यू गो फॉर ट्रीटमेंट, आप अपने ट्रीटमेंट यानी उपचार के लिए कहाँ जाते हो, क्लिनिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लिनिक हो जाएगा। इज देयर ए पोस्ट ऑफिस इन योर नेबरहुड, यस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, हु आर कॉल्ड नेबर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीपल हु लिव नियर आवर हाउस आर कॉल्ड नेबर्स। वाट डू यू मीन बाई नेबरहुड, तो द सराउंडिंग बेयर बिलीव मेक अवर नेबरहुड। फार्म बेयर डू बी बाई थिंग्स, आप कोई वस्तु खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बी बाई थिंग्स फार्म मार्केट, हम कहाँ जाते हैं, मार्केट यानी बाजार जाते हैं। वेयर डू बी डिपॉजिट अवर मनी, तो बी डिपॉजिट अवर मनी इन बैंक, हम अपने पैसे कहाँ जमा करते हैं, बैंक में। तो ये आपका लेसन ये कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट लेसन पढ़ाएंगे। थैंक यू।